तुम लोग ने DualSense कंट्रोलर तो देखा ही है, कुछ इस तरह का आता है सोनी का स्टॉक DualSense कंट्रोलर। बट आज मैं आपको एक बहुत ही स्पेशल DualSense कंट्रोलर दिखाने वाला हूं, एंड आई बेट कि इस तरह का DualSense कंट्रोलर आपने कभी भी नहीं देखा होगा। ये है सेज कंट्रोलर। ओरिजिनली ये एक ओरिजिनल DualSense कंट्रोलर ही है, बट इट्स फुल्ली मॉडर्न, स्पेशली डिजाइन फॉर ऑनलाइन ई-स्पोर्ट्स गेमर्स जो अपने PS5 पर ऑनलाइन कॉम्पिटेटिव गेम्स खेलते हैं प्राइमरीली। कहां से खरीदा है, कितने का आप खरीद सकते हो, ये सब मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा, बट पहले अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। ऑनेस्टली ये कंट्रोलर ओरिजिनल पैकेजिंग के साथ ही आता है, बट अंदर आपको एक फुल्ली मॉडर्न DualSense कंट्रोलर देखने को मिल जाता है आउट ऑफ द बॉक्स। और एक बार आप इस कंट्रोलर को देखो भाई, मैंने ये इताजे वाला वेरिएंट मंगवाया है, अल्टीमेट वेरिएंट है ये, बट आप चाहो तो कोई भी दूसरा लुक या फिर थीम के साथ ऑर्डर कर सकते हो, जो भी आपको पसंद आए। इसका लुक्स के बारे में आगे चलकर हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं, बट बॉक्स में आपको दो क्लीनिंग क्लॉथ देखने को मिल जाता है इस कंट्रोलर को साफ सफाई करने के लिए, और साथ में आपको 3 सेट्स ऑफ एनालॉग स्टिक्स भी देखने को मिल जाता है इसका एनालॉग स्टिक्स का हाइट्स को एडजस्ट करने के लिए। बाय द वे इन्होंने मुझे अ सेट ऑफ ट्रिगर स्टॉपर्स भी भेजा था, जो कि आप इनके वेबसाइट से खरीद सकते हो, जिसको आप कोई भी DualSense कंट्रोलर में इजीली अटैच कर सकते हो, जिससे आपको थोड़ा बहुत बड़ा ट्रिगर देखने को मिल जाएगा, जिससे आपको एम करने में या फिर इसको प्रेस करने में काफी आसानी होगा। प्लस ये एक चीज है जिसको अगर आप एनालॉग स्टिक में लगाते हो स्टॉक वाले में, तो आपका एनालॉग स्टिक्स पर रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, जिससे आप प्रिसाइसली एम या फिर कुछ और काम कर सकते हो। नाउ गाइस, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि इस कंट्रोलर में क्या क्या मॉडिफिकेशंस किया गया है एंड किस तरीके से आप उनमें यूज कर सकते हो। सबसे पहले तो आप यहाँ पर देख सकते हो पूरे कंट्रोलर में इताची थीम इन्होंने पेंट किया है, एंड इट लुक्स डैम गुड। और जिस क्वालिटी का पेंट इन्होंने इसमें यूज किया है, दैट इज वेरी प्रीमियम क्वालिटी, दैट इज वेरी लग्जरी क्वालिटी, एकदम थोड़ा सा शाइनी है, एंड द फिनिश इज जस्ट परफेक्ट। यहाँ पर आप देख सकते हो टच पैड में इताची का पिक्चर है, एंड साइज में थोड़ा बहुत बर्ड्स एंड निंजा ब्लेड यहाँ पर बना हुआ है। बाय द वे ये जो पेंट है ये सॉफ्ट टच पेंट है, जिस तरीके का पेंट आपको कार के इंटीरियर में यहाँ पर यूज होता है, जो कि आपको एक काफी कंफर्टेबल एंड सॉफ्ट टच फील देता है, तो जो सॉफ्ट टच पेंट है दैट इज वेरी लग्जरी काइंड ऑफ पेंट, वो आपको इस कंट्रोलर में देखने को मिल जाता है। और इसको हाथ में लेकर आपको लगेगा ही नहीं कि आपने कोई हार्ड सरफेस वाला चीज यहाँ पर पकड़ा हुआ है, इट्स वेरी सॉफ्ट और आपको काफी कंफर्ट प्रोवाइड करता है। वैसे इनके पास और भी बहुत सारे थीम्स अवेलेबल हैं, बट मेरे को ये इताची वाला ज्यादा पसंद आया, तो मैंने ये वाला ऑर्डर कर लिया। और जैसे कि ये अल्टीमेट वेरिएंट है, तो आपको इसके दोनों साइड के ग्रिप्स पर आपको 3D टेक्सचर डिजाइन देखने को मिल जाता है, एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस, इसका भी फिनिशिंग एंड क्वालिटी बहुत ही प्रीमियम है। और जैसे कि ये पैटर्न 3D टेक्सचर है, तो आप इन पैटर्न को फील भी कर सकते हो, जो आपके हाथों को एक काफी कंफर्ट एंड बेटर ग्रिप प्रोवाइड करता है वाइल गेमिंग। साथ में इसका एनालॉग स्टिक्स भी यहाँ पर रिमूवेबल होता है अल्टीमेट एडिशन में, तो अगर आपको थोड़ा बहुत ज्यादा हाइट वाला एनालॉग स्टिक्स चाहिए, तो आप दूसरा एनालॉग स्टिक्स के साथ यहाँ पर स्वैप कर सकते हो, जिससे आपका एनालॉग स्टिक्स का हाइट थोड़ा सा ज्यादा बढ़ जाएगा। ऐसे 3 सेट आपको मिल जाता है इन द बॉक्स, तो आप अपने मर्जी मुताबिक अपने हाइट के हिसाब से इन एनालॉग स्टिक्स को यहाँ पर चेंज कर सकते हो या फिर स्वैप कर सकते हो। इसका जो फिटिंग या फिर माउंटिंग सिस्टम है, दैट इज वेरी क्लेवर एंड दैट इज वेरी नाइस। यहाँ पर आपको हेक्सागन पैटर्न माउंट दिया गया है, जो कि काफी ड्यूरेबल है एंड जरा सा भी यहाँ पर वॉबल नहीं करता है, इट फिट्स परफेक्टली इन द हेक्सागनल शेप। दिखाता हूँ, That's it, your controller is done. Now coming to the buttons. Ultimate Edition में आपको soft touch button भी देखना मिल जाता है, यानी कि जो पूरा का पूरा बॉडी है वो तो आपको सॉफ्ट टच पेंट वहां पर आपको देखना मिल ही जाता है या फिर सॉफ्ट टच फिनिश, बट इनके जो एक्स्ट्रा एंगल सर्कल जीरो बटन है या फिर जो डी पैड है, वहां पर भी आपको सॉफ्ट टच फिनिशिंग देखने को मिल जाता है, जिससे आपको इन बटन्स को प्रेस करने में काफी ज्यादा कंफर्टेबल फील होता है। और अभी इसका जो बटन्स है, ट्रस्ट मी, जो OG कंट्रोलर है DualSense वाला, उससे मच बेटर फील होता है, मच कंफर्टेबल फील होता है, एंड इट फील्स रियली नाइस टू टच। बट इट्स ऑल ब्लैक नाउ, जो कि इस थीम के साथ परफेक्टली मैच कर रहे हैं। थोड़ा सा यहाँ पर मैं शिकायत जरूर करना चाहूंगा कि इसका जो सेलेक्ट एंड स्टार्ट बटन है, वो ओरिजिनल कंट्रोलर से लेस टैक्टाइल है, जिससे आपको इन दोनों बटन्स को प्रेस करने में थोड़ा बहुत दिक्कत आ सकता है। नाउ कमिंग बैक टू द बैक साइड ऑफ द कंट्रोलर, जहां पर इन्होंने सारा का सारा मैजिक कर रखा है। यहाँ पर आपको 4 बैक पेडल्स देखने मिल जाता है, एंड ये जो बैक पेडल्स है, ये मैं आपको क्या बताऊं कि ऑनलाइन ई-स्पोर्ट्स गेमिंग के लिए कितना ज्यादा हैंडी है, बिकॉज आप इन चारों बटन को रीमैप कर सकते हो फ्रंट का कोई भी बटन के साथ। इसके लिए कंट्रोलर के अंदर एक रीमैप चिप लगाना पड़ता है, तब जाकर इतना नीच प्रोडक्ट मिलता है। नाउ इन पेडल्स को रीमैप कैसे करना है, बहुत ही आसान है। बस जो PS बटन है उसको 3 सेकंड के लिए प्रेस एंड होल्ड करो, जिससे ये रीमैप मोड पर चला जाएगा, और आपको लेफ्ट साइड पर एक पिंक कलर का LED ग्लो होता दिखेगा या फिर फ्लैश होता दिखेगा। उसके बाद आपको क्या करना है, जो बटन आप रिमैप करना चाहते हो उस बटन को प्रेस एंड होल्ड करो, एट द सेम टाइम आप वो वाला पेडल को प्रेस एंड होल्ड करो जिसके साथ उस बटन को आप रिमैप करना चाहते हो, एंड वोला आपको वो जो पर्पल LED है वो फास्ट यहाँ पर ब्लिंक होता दिखेगा, दैट मीन्स आपका जो रिमैप है वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, और उसके बाद आपका DualSense कंट्रोलर टर्न ऑफ हो जाएगा। तो बाकी जो दूसरे पैडल्स हैं उनको रिमैप करने के लिए आप सेम प्रोसीजर फॉलो कर सकते हो, इट्स वेरी इजी। बाय द वे, इन केस अगर आपको ये पैडल्स नहीं चाहिए, आप इन पैडल्स के साथ नहीं खेल रहे हो, तो आप इनको बहुत ही इजीली रिमूव भी कर सकते हो, और ये बहुत ही अच्छा फीचर है। और ये जो बैक पैडल्स है ये बहुत ही क्लिकी है, हैव अ लिसन।
क्लिकी से ज्यादा या अल्टीमेट वेरिएंट में आपको क्लिकी बम्पर्स एंड क्लिकी ट्रिगर्स देखना मिल जाता है एंड दिस इज अ मस्ट हैव फीचर फॉर ऑनलाइन गेमिंग अनलाइक द ओरिजिनल कंट्रोलर जिसमें आपको एनालॉग ट्रिगर्स देखना मिल जाता है बट ये वाला कस्टम कंट्रोलर में आपको डिजिटल ट्रिगर्स देखना मिल जाता है दैट मींस इंस्टेंट बटन रिस्पॉन्स बटन दबाते ही आपका शॉट रजिस्टर हो जाता है यहाँ पर आपको इतना ज्यादा ट्रैवल डिस्टेंस इतना ज्यादा डिले नहीं मिलता है आपको इस तरीके का डिजिटल ट्रिगर्स के साथ बट जैसे कि इसमें आपको क्लिक ट्रिगर्स देखना मिल जाता है दैट मींस यहाँ पर आपको अडैप्टिव ट्रिगर्स सैक्रिफाइस करना पड़ता है एंड दैट इज टोटली फाइन फॉर ई-स्पोर्ट्स गेमर्स क्योंकि इसे इंस्टेंट ट्रिगर्स की वजह से आपका शूटिंग गेम्स में जो रेस्पॉन्स टाइम है वो सिग्निफिकेंटली इंप्रूव होता है एंड इट्स अ मस्ट हैव फीचर फॉर ई-स्पोर्ट्स प्लेयर्स बट अगर आप अडैप्टिव ट्रिगर सैक्रिफाइस नहीं करना चाहते हो तो आप बेसिक या फिर प्रो वाला वेरिएंट ले सकते हो बिकॉज जो प्रो प्लस एंड जो अल्टीमेट वाला वेरिएंट है उनमें आपको क्लिक ट्रिगर से देखना मिल जाता है तो अगर आप अपने PS5 में स्टोरी गेम्स प्लस ई स्पोर्ट्स गेमिंग दोनों ही करते हो तो आप एक ये वाला कंट्रोलर लेके रख दो एंड आप एक नॉर्मल जो ओरिजिनल कंट्रोलर है वो लेके रख दो इजी पीजी अभी बात करते हैं कि ये जो कंट्रोलर है इसको आप कहां से खरीद सकते हो तो आप इस तरह का कंट्रोलर खरीद सकते हो sagecontrollers.com से या फिर आप इनको Amazon से भी खरीद सकते हो और ये एक इंडियन ब्रांड है और फिलहाल के मार्केट में यही एक लौता ब्रांड है जो आपको इस तरह का ऑसम कस्टम कंट्रोलर ऑफर कर रहा है फिलहाल इनके पास DualSense 5 के कंट्रोलर अवेलेबल है Xbox के जो कस्टम कंट्रोलर है वो बाद में आने वाला है और इन्होंने ये भी कहा कि कुछ दिन बाद इनके पास PS5 कंट्रोलर हॉल इफेक्ट सेंसर के साथ में मिलना स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि ज्यादातर PS5 कंट्रोलर्स में कुछ ही दिन बाद स्टिक ड्रिफ्ट का यहाँ पर इशू आ जाता है तो हॉल इफेक्ट सेंसर के साथ जो स्टिक ड्रिफ्ट वाला इशू है वो यहाँ पर कम्प्लीटली सॉल्व हो सकता है इनके पास बहुत सारे डिजाइन में कस्टम कंट्रोलर्स अवेलेबल है जो आपको पसंद हो जो मर्जी आप वो ले सकते हो एंड हर एक कंट्रोलर का चार वेरियंट आता है देर इज बेसिक देर इज प्रो देर इज प्रो प्लस एंड देर इज अल्टीमेट प्रो में आपको क्या मिलता है आपको ये पेंट जॉब देखना मिल जाएगा ठीक है और वो पेंट जॉब सॉफ्ट टच वाला पेंट जॉब नहीं होगा आपको बेसिक पेंट जॉब देखना मिल जाएगा साथ में आपको जो ये बैक पेडल्स है वो आपको देखना मिल जाएगा बेसिक वाला मॉडल में ही फिर आता है इनका प्रो मॉडल जहां पर आपको बेसिक फीचर्स के साथ साथ जो सॉफ्ट टच पेंट है वो आपको मिलेगा प्लस ये जो टेक्सचर्ड ग्रिप है वो भी आपको मिलेगा प्रो वाला मॉडल पर फिर बात करते हैं प्रो प्लस मॉडल की तो प्रो प्लस मॉडल में आपको बेसिक एंड प्रो का तो फीचर मिलेगा ही प्लस आपको क्लिक के ट्रिगर्स एंड बम्पर्स देखना मिल जाएगा यानी कि प्रो प्लस मॉडल से जो अडैप्टिव ट्रिगर्स है वो यहाँ पर हट जाता है आपको क्लिक के बम्पर्स एंड ट्रिगर्स देखना मिल जाता है अगर आपको अडैप्टिव ट्रिगर्स चाहिए तो जो बेसिक या फिर प्रो मॉडल है उनके बीच में कोई एक सिलेक्ट कर सकते हो और फाइनली आता है ये अल्टीमेट वेरिएंट जहाँ पर आपको ये सारे वेरिएंट्स का फीचर तो मिलता ही है प्लस इसमें आपको ये जो बटन्स है प्लस ये जो फ्रंट ट्रिम है या फिर जो ये बैक ग्रिप्स है ये सभी जगह पर यानी कि पूरा पूरा कंट्रोलर में ही इन्होंने सॉफ्ट टच पेंट का यूज किया हुआ है अल्टीमेट वेरिएंट पर प्लस अल्टीमेट वेरिएंट में आपको रिमूवेबल थंबस्टिक भी देखना मिल जाएगा बाय द वे ये चारों वेरिएंट्स में आपको प्राइसिंग बता देता हूँ जो बेसिक वाला वेरिएंट है वो स्टार्ट होता है 899 रुपीज से फिर प्रो वेरिएंट आपको पड़ेगा अराउंड 10,999 रुपीज का और जो प्रो प्लस है वो आपको पड़ेगा 11,999 रुपीज का एंड जो अल्टीमेट वाला वेरिएंट है जो कि ये वाला मॉडल है ये आपको पड़ेगा अराउंड 12,999 रुपीज का और ये प्राइस मैंने आपको बताया फिक्स्ड रिमैपिंग पैडल्स के साथ अगर आप इसमें रिमैप चिप लगाओगे तो आपको सीधा सीधा हर एक प्राइसिंग के साथ 2,500 रुपये एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा बेसिकली आप यहाँ पर 2,500 रुपये बचा सकते हो अगर आप फिक्स्ड रिमैपिंग वेरिएंट के साथ जाते हो तो आपको सिंपली ऑर्डर के टाइम इनको बताना है कि आपको कौन सा पैडल कौन से बटन के साथ रिमैप चाहिए एंड वो जो है उसी तरीके से रिमैप करके भेजेगा बट अगर आप इसमें रिमैप चिप लगवा लेते हो जो कि 2,500 रुपये कॉस्ट करता है तो आप घर बैठे ये जो बटन है उसको यहाँ पर जब मर्जी जैसे मर्जी यहाँ पर रिमैप कर सकते हो बट द बेस्ट पार्ट इज अगर आप फिक्स रिमैपिंग के साथ लेते हो ये कंट्रोलर को एंड बाद में आपका मन करता है कि दूसरा कुछ पे आप उनको रिमैप करना चाहोगे तो आप सिंपली अपना कंट्रोलर को इनके पास भेज सकते हो एंड ये जो है आपको फ्री में रिमैपिंग करके देगा बट वही है कि आपका कुरियर चार्जेस लग जाएगा और वारंटी की बात कर रहे हैं तो पहली बात तो कस्टम कंट्रोलर है तो यहाँ पर ऑफिशियल वारंटी वाइड हो जाता है बट सेज कंट्रोलर आपको 3 महीने का वारंटी दे रहे हैं ऑन द कंट्रोलर एंड दे आर प्रोवाइडिंग 6 मंथ्स वारंटी ऑन ऑल द कस्टमाइजेशंस लाइक आपका पैडल टूट जाता है या फिर कोई भी चीज टूट जाता है या फिर कुछ हो जाता है तो ये लोग आपको वो वाला पार्ट एकदम ब्रांड न्यू भेज देगा ऑनेस्टली एज अ स्टार्टअप ब्रांड मुझे इनका डिजाइन एंड फिनिशिंग दोनों ही बहुत ही अच्छा लगा दैट्स व्हाई मैंने सोचा कि एक वीडियो तो बनता है क्योंकि अगर आप आउट ऑफ इंडिया वाले ब्रांड्स देखोगे जो कि इतना बड़ा बड़ा मशीन्स पर यहाँ पर कस्टम कंट्रोलर्स बनाते हैं उनके पास फैक्ट्रीज वगैरह है तो भाई उनका जो कंट्रोलर है वो बहुत कॉस्टली आता है लाइक 17,000-18,000 रुपीज तो आपका सिर्फ कंट्रोलर पड़ेगा फिर शिपिंग चार्जेस अलग से उसके बाद यहाँ पर कस्टम ड्यूटी भी आपको पे करना पड़ता है तो इंडिया में अगर आप लेना चाहते हो कोई कस्टम कंट्रोलर PS5 के लिए तो दिस इज द ओनली ब्रांड हु आर प्रोवाइडिंग कस्टम कंट्रोलर्स वो भी इतना बढ़िया क्वालिटी का और इनका जो कंट्रोलर्स है ये देखकर लगेगा ही नहीं कि भाई ये एक स्टार्टअप ब्रांड है इनका जो फिनिशिंग है एंड जो ओवरऑल जो इन्होंने कॉस्मेटिक्स प्रोवाइड किया है दीज आर वेरी हाई क्वालिटी तो हाँ ये कंट्रोलर थोड़ा सा प्राइसी जरूर है बट लुकिंग एट द कॉम्पिटिशन ये जो कंट्रोलर्स है ये यार बहुत ज्यादा सस्ता है अगर आप इस तरह का कस्टम कंट्रोलर ढूंढ रहे हो इंडिया में एंड आपको इसका वैल्यू पता है कि आप इससे क्या क्या कर सकते हो तो भाई आपको पता है कि जो प्राइसिंग है वो उतना ज्यादा हाई भी नहीं है श्योर आप 17,000 रुपए में एक सोनी का DualSense Edge कंट्रोलर ले सकते हो
बट उसमें आपको बैक साइड पर सिर्फ दो ही पैडल्स मिलता है, प्लस उसमें आपको इंस्टेंट ट्रिगर्स देखने को नहीं मिलता है, इसके तरह वहां पर आपको ट्रिगर स्टॉपर्स देखने को मिल जाता है। और अगर आप डुअलसेंस एच का वो जो स्वैपेबल एनालॉग स्टिक्स का बारे में सोच रहे हो, तो मैं आपको बता दूं कि वो सोनी का कंट्रोलर है। अगर आपका एनालॉग ट्रिगर्स खराब हो भी जाता है तो वो जो सिंपल ट्रिगर सेट्स है वो बहुत ही महंगे आएंगे, ऑब्वियसली, क्योंकि वो ऑफिशियल सोनी का प्रोडक्ट है। वहीं इस कंट्रोलर में आपको बैक साइड पर चार पेडल्स देखने को मिल जाता है, यहाँ पर आपको एक बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का पेन जॉब देखने को मिल जाता है, यहाँ पर आपको इंस्टेंट क्लिक ट्रिगर्स देखने को मिल जाता है। मेरा मानो तो गो फॉर द बेसिक या फिर प्रो प्लस मॉडल, डिपेंडिंग ऑन कि आपको अडैप्टिव ट्रिगर्स चाहिए या फिर क्लिक ट्रिगर्स चाहिए, बट आई कैन टोटली अश्योर यू इसका जो क्वालिटी है एंड इसका जो फिनिशिंग है दैट इज टोटली टॉप नॉच, इट्स अ फुल्ली फिनिश्ड प्रोडक्ट, यहाँ पर कोई भी चीज आपको आफ्टर थॉट वाला फील नहीं देगा। बेस्ट फाइव लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, मेक श्योर टू यूज MTK10 जिससे आपको 10% का एडिशनल डिस्काउंट देखने मिल जाएगा हर एक कंट्रोलर्स पर। एंड एज ऑलवेज अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना, साथ में चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम लोग इस तरीके का ऑसम डोप कंट्रोलर्स हमारे चैनल पर अक्सर रिव्यू करते रहते हैं। मिलता हूं एक और ऐसे कस्टम कंट्रोलर के साथ, तब तक के लिए हैप्पी गेमिंग।